भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जाते जाते दोनों देशों के बीच बातचीत की वकालत की है। अब्दुल बासित मंगलवार को रिटायर हो गए हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिन दोनों देशों के बीच बातचीत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत ही एक रास्ता है जिससे दोनों देशों के मसले हल हो सकते हैं। I tried my level best to see as to how we can put the relationship back on track, resume the dialogue process, and we, the two countries, managed to agree on the comprehensive dialogue, bilateral dialogue. But unfortunately, we couldn't resume or couldn't commence the process. That is unfortunate, but I am confident that sooner or later the two countries will resume the dialogue process because that is the only way forward. अब्दुल बासित ने सैयद सलाहुद्दीन को आतंकवादी मानने से इनकार किया। सैयद सलाहुद्दीन इज अ कश्मीरी, ही इज स्टेइंग इन पाकिस्तान, मोस्टली इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर। सो इफ एंड व्हाटएवर ही इज डूइंग दैट इज सीन इन पाकिस्तान एंड इन जम्मू एंड कश्मीर एज वेल, दैट ही इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो ही इज नॉट अ टेररिस्ट। कुलभूषण जाधव के मामले पर उन्होंने कहा कि जाधव की दया याचिका खारिज होने के बाद भी उनके पास एक और मौका होगा खुद को बचाने का। He is not an ordinary citizen of India. He was tried and convicted for espionage and subversive activities. So the charges are very, very serious. And he was involved in sensitive matters. Hence he could not, you know, he had to be tried before a military court. पाकिस्तान के हाई कमिश्नर अब्दुल बासित अप्रैल 2018 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने रिटायरमेंट लेने की घोषणा कर दी। बासित की जगह सोहेल महमूद भारत में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।